अच्छा, नॉर्मली जब लोग हमसे ये पूछते हैं कि यार इस बिज़नेस में आने का क्या तरीका है, कैसे आया जा सकता है, तो हमारा उनसे पहला सवाल ये होता है कि आपका पर्पस क्या है। आप डोमेस्टिक लेवल पे करना चाह रहे हैं, आप सेमी कमर्शियल करना चाह रहे हैं, आप फुली कमर्शियल करना चाह रहे हैं, और उससे अगला सवाल ये होता है भाई कि आपका बजट क्या है। क्योंकि ये ऐसा काम है कि आप 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू किया था। मेरे तकरीबन 750 रुपये में पहला वो डब्बा जो मैंने आपको बताया वो निकला था विद द एग्स एंड विद एवरीथिंग एल्स। और अभी माशाल्लाह मैं मेरी कैपेसिटी हो गई है, वो 12 अंडों की कैपेसिटी थी और अभी मेरी कैपेसिटी है 6500 की। और 6500 की कैपेसिटी पे मुझे पहुंचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने मेरा जो भी बिज़नेस की इक्विटी है वो इट इज़ अराउंड 6 लाख रुपीज़। तो अगर एक बंदा कहता है यार मैं 10,000 के अंदर बिज़नेस करना चाहता हूँ, यू कैन डू इट और यू कैन डू वंडर्स विद इट। दिस ऑल स्टार्टेड विद मतलब एक्चुअली मैं एक दिन गया ऐसे ही किसी से चूज़े लेने। उसने कहा यार तुम यहाँ पिंडी से चूज़े लेके जाओगे तो वहाँ बीमार हो जाएंगे, उधर तो ठंड बहुत होती है। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए। उसने कहा आप एक ब्रूडर बनाओ। ब्रूडर बेसिकली एक कंट्रोल्ड जो एक कंट्रोल शेड होता है उसका एक छोटा फॉर्म होता है। तो फ्रॉम दैट मैंने आके घर में ब्रूडर बनाया अपने पास जो स्क्रैप बना हुआ था उससे, एंड मैंने कुछ 10-12 चूज़े ले लिए। उन चूज़ों पे मैंने तकरीबन जब काम शुरू किया आई स्टार्टेड लर्निंग विद देम कि यार वो बेसिकली गोल्डन मिस्त्री था, उसमें मैंने लर्न करना शुरू किया कि इनको पालते कैसे। विद दैट जो है मैंने काफ़ी सारी नई डिजीज़ डिस्कवर की, मेरे लिए नई थी वैसे, मार्केट में तो देवर ओल्ड। मज़े की बात यह कि नोबडी टेल्स यू अबाउट दैट। आप गूगल भी करते हो तो आपको अमेरिकन सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि आपके यहाँ पे हो ही नहीं सकते, मतलब यू डोंट गेट स्टफ जो वहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे होते। खैर फिर मेरे पास एक बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त थे जिन्होंने मुझे ब्रूडर का मशवरा दिया था, उन्हीं से मैंने सीखना शुरू किया। ड्यूरिंग दिस फेज जब कि मैं चूज़ों को ब्रूड कर रहा था, मैंने साथ ऐसी गपशप में गत्ते के डब्बे में रखे 12 अंडे ऊपर लगा दिया, बल्ब नीचे रखा, पानी का कटोरा। ये इतना जितना मैं आराम से कह रहा हूँ इतना इजी है नहीं, मतलब आई हैड टू डू अ सम रिसर्च कि यार इसको कैसे किया जा सकता है। इनक्यूबेटर्स तो डायरेक्टली आप मतलब मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन यू हैव टू लर्न द प्रोसेस फर्स्ट। तो मैंने वो डब्बे से शुरू किया और करते करते ये हुआ भाई कि इधर से चूसे नए निकल आए, उधर से 2 चूसे रह गए, बाकी सारे मर चुके थे। उसमें काफ़ी सारी मतलब बीमारियां थी जो मेरे से कंट्रोल नहीं हुई। जो बीमारियां कंट्रोल हो गई जब चूज़ा ब्रूडर से बाहर आए तो कुत्ते खा गए, चील कभी उठा के ले गए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ हैचिंग के साथ, वो जो एक बिल्कुल साइड पे गपशप में काम चल रहा था, मतलब उसने मुझे इतना बूस्ट किया कि मैंने 1000 अंडों की मशीन बना ली। तो वो भी प्रॉपर एक रिसर्च थी, मैंने उसको चेक किया कि यार ये कैसे बनता है, इसके एलिमेंट्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है। लकड़ी काटना सीखी, कनेक्शन बनाने सीखे, मशीनें चलानी सीखी, ड्रिल्स खरीदी। मैंने कहा जो मजदूरी दूंगा तो लेट्स गो बाय अ ड्रिल ना, तो इट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला काम हो रहा था, आपको काम करना भी आ रहा था। खैर उसके बाद मैंने मशीन बनाई और उसमें मैंने 100 eggs रख के टेस्ट मारा, तो उससे मुझे तकरीबन 87% हैच रेट आया, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर कंसिडर होता है हमारी फील्ड में। उसके बाद उसने मुझे इतना बूस्ट किया कि मैंने यहाँ पे 1000 अंडे पूरे किए और 5000 अंडों की मशीन का ऑर्डर दे दिया। तो अभी माशाल्लाह मेरे पास 6500 eggs की कैपेसिटी है और मैं तकरीबन 2-3 मंथ्स की बुकिंग्स पे चल रहा होता हूँ। मेरे पास इस वक्त मतलब डायरेक्टली अगर आप मुझे कहें कि अभी चूज़ा चाहिए तो मैं आपको 3 महीने बाद दे सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी अभी इतनी नहीं है कि मैं मार्केट की डिमांड फुल ऑन पूरी कर सकूँ। इक्विपमेंट में ये होता है सर कि आपको टेम्परेचर कंट्रोलर चाहिए। मैं 1000 रुपये वाली से शुरू करता हूँ। आपको एक टेम्परेचर कंट्रोलर चाहिए, एक हीटिंग सोर्स चाहिए, ह्यूमिडिटी का सोर्स चाहिए और एक बॉक्स चाहिए जिसको बाहर से वेदर इम्पैक्ट ना करे। वेदर का वेदर से मुराद कि डायरेक्ट हवा ना लगे, धूप ना लगे और वो किसी भी कमरे में आप आराम से रख दें तो उसमें काम चल जाता है आपका। अब ये यहाँ से मतलब इसको हम कभी भी कमर्शियल कंसिडर नहीं करते, ये हॉबी वाले लेवल तक ठीक है कि आपने 1000 रुपये का डब्बे में चीज़ें लगाई और बना लिया। जो मैं टेम्परेचर कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर कंट्रोलर्स जो हैं वो 300 रुपये से ले कर तो 50-60-70 हज़ार रुपये तक के कंट्रोलर्स होते हैं। लेकिन आप अपने एग की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप देखते हैं कि यार फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपये का अंडा लगा लिया और उसमें 300 रुपये का टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ, तो मतलब आप ज्यादती करें अपने साथ कि ये 300 रुपये की चीज़ के ऊपर आपने 1 लाख रुपये का रिस्क लिया हुआ। सो हम इस मैथ पे चलते हैं कि यार जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो यू गो फॉर अ बेटर इक्विपमेंट। उसके अलावा ह्यूमिडिटी की सोर्स जो है वो प्रॉपर ह्यूमिडिफायर्स भी हो सकते हैं और एक पानी का बर्तन भी हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ सिंपल दीज थिंग्स आर ना, मतलब आप अपने आप को देखते हो कि यार मैं किस लेवल पे हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो उसके साथ साथ अपनी चीज़ों को ऊपर लेके जाते हो, स्टैंडर्ड्स को रेज करते हो। अच्छा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि यार अगर आप मुर्गियों का काम कर रहे हैं, पोल्ट्री का काम कर रहे हैं तो आप मुर्गी वाले हो जाएंगे, अगर आप अपना कुछ ग्रो कर रहे हैं तो आप किसान हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं
इनकी इसकी लोगों के माइंड में एक ऐसी इमेज बन गया कि लोग इस बिज़नेस की तरफ देखना पसंद ही नहीं करते थे। जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी मेरे घर वालों ने ये कहा कि तुम तो मुर्गी वाले बन गए यार, ये क्या हुआ तुम्हें। बट द थिंग इज़ कि यार जो मैंने पढ़ा लिखा, जो मुझे अपनी डिग्री से समझ आई, अगर फिगर्स आपको नज़र आते हैं और नंबर्स आर टॉकिंग टू यू, तो यू शुड गो फॉर दैट बिज़नेस। क्योंकि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द थिंग। लेकिन इस बिज़नेस में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है भाई, इसमें यू गेट टू ग्रो योर ऑन, ईट योर ऑन, ईट हेल्दी। अच्छा, अब ये ईट हेल्दी वाली जो साइंस है ना, जो हमारी सोसाइटी में शुरू हुई, यही इसी वजह से अब मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ मार्केट में कि बड़े बड़े लोग जो अच्छे बड़े बिजनेस मैन हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस हैं, वो इस काम में एज अ हॉबीस्ट घुसना शुरू हो गए। खवातीन ने घर में रखना शुरू कर दिया, मतलब जो हाउस वाइफ हैं उन्होंने घर में 3-4 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, साथ एक मुर्गा रखा हुआ है, अजाने भी हैं, अंडे भी हैं और शुगर लगा हुआ है। ये ट्रेंड अभी इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं आपसे आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो हम एक रोड आइलैंड ब्रेड एक ब्रीड है जो कि इम्पोर्टेड ब्रीड है, उस टाइम पे वो बहुत नायाब थी, लोग उसके पीछे भाग रहे थे। अभी रोड आइलैंड ब्रेड और ब्रायलर में थोड़ा बहुत ही फ़र्क रह गया, मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी के मुताबिक, नॉट इन टर्म्स ऑफ द ब्रीड, वो तो ऑब्वियसली दोनों बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह से आजकल भाई काम जो कमर्शियली हो रहा है वो ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप पे हो रहा है और लोग अभी इसको जानना शुरू कर रहे हैं। फेसबुक पेज पे मेरे से लोग पूछते हैं कि यार ये हम रखना चाहते हैं, क्या सीन है, किस तरह पालते हैं। इसके अलावा भाई एक नया जो ट्रेंड आ रहा है वो लाइट सेक्स का है। लाइट सेक्स जो है वो इस वक्त, ये मैं 2020 में बात कर रहा हूँ, तो लाइट सेक्स जो है इस वक्त वो ऐसी नायाब ब्रीड है जिस पे बड़े फार्मर्स काम कर रहे हैं और छोटे खाली उसके ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप देखेंगे कि ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप बिल्कुल एक आम ब्रीड हो चुकी होगी और लाइट सेक्स इस जगह पे होगी जहाँ इस वक्त ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप है। तो ये जो ट्रेंड है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब इस काम में आते हैं ना, तो ये चीज़ें फास्ट हो जाती हैं, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं, जो इनकी जो इस बिज़नेस का जो एक स्ट्रक्चर है वो चेंज कर जाता। अभी मेरी कुछ लोगों से कॉन्टीन्यूसली इस पर बात होती है और हम लोग काफ़ी वर्कआउट करें प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तंजीम बनाने के लिए, जो इस फैंसी पोल्ट्री के काम को कंट्रोल करें, स्टैंडर्ड सेट करें। और ये माशाल्लाह कराची में कुछ हमारे अजीज़ हैं जो काफ़ी सीनियर भी हैं, काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने इस पर काम शुरू किया है। हमने ग्रुप्स बनाए हैं, हम इकट्ठे होकर लाइब्रेरीज डेटाबेस बना रहे हैं ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर पाएँ और पढ़े लिखे लोगों तक ये पैगाम पहुँचा पाएँ कि भाईजान ये काम भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल काम है, यू शुड स्टेप इन टू इट और यू कैन डू वंडर्स। ज़ाहिर है जो एक आपकी मार्केट में मुर्गी वाला ना, वो ये बिज़नेस उस तरह रन नहीं कर सकते जिस तरह आप कर सकते। आपके पास नॉलेज है, आपके पास सोर्सेज हैं, तो आप ये काम आम बंदे से बेहतर कर सकते हैं।